उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, उत्तराखंड की हम बात करें, परंपरागत कृषि को लेकर उत्तराखंड जो है सबसे आगे नजर आता है, ऐसे में आप कृषि मंत्री भी है, किस तरीके से आप जो है कृषि को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत हम तकरीबन 3,900 क्लस्टर्स पर, जिसमें तकरीबन 2,00,000 एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं, और इस हर क्लस्टर में इसमें हम 10,00,000 रुपए का इनपुट किसान को दे रहे हैं, जिसमें खाद, बीज, ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट्स और इसके अलावा उनको सभी कृषि यंत्रों की सुविधा एक समूह को हमने दी है, जिससे कि पहाड़ में सबसे बड़ी बीमारी जो पलायन है, एक तो वो रुके, दूसरा उत्पादन बढ़ेगा। इसीलिए हमने एक नए मैकेनिज्म पे काम किया है, जिसमें अलग अलग घाटियों को हम विशेष चीज़ की एक विशिष्ट घाटी के रूप में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। मसलन कहीं पर कोई पूरा का पूरा इलाका मसाला, हल्दी और अदरक पैदा करेगा, कहीं मिलेट्स की खेती होगी, कहीं पे फूलों की खेती होगी, कहीं सब्जियों की खेती होगी, कहीं आपका फ्रूटिंग के लिए फ्रूट्स की खेती होगी। तो अलग अलग वैलीज को, कोई एप्पल वैली के नाम से, कोई आपका वेजिटेबल वैली के नाम से, कोई आपकी मिलेट्स वैली, कहीं फ्लोर, जैसे हमने निर्णय लिया कि हम जो हमारे चारों धाम की सराउंडिंग्स हैं, इसमें हम फ्लोरिकल्चर के क्लस्टर्स पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो यात्रा सीजन होता है, इसमें तकरीबन 10,000 टन फूल की खपत है, और हर फूल दिल्ली से हमारे यहाँ पहुँचता है। तो एक तो फूल भी महंगा पड़ता है, और दूसरा मैं समझता हूँ इससे हमारे किसान को फायदा नहीं मिल पाता। तो हमने फ्लोरिकल्चर को अपने मंडी एक्ट में नोटिफाई करने के बाद ये निर्णय लिया कि जो हमारे चारों धाम हैं, इनके सराउंडिंग्स के गांवों में हम केवल फ्लोरिकल्चर के क्लस्टर पर जाएंगे। इसके अलावा किसान को एक इसके सरकार के प्रति विश्वास, हमने निर्णय लिया कि जिन फसलों पर भारत सरकार मिनिमम MSP घोषित नहीं करती, उन परंपरागत फसलों पर हमारी सरकार MSP घोषित करेगी। और हमने मंडी परिषद के तहत एक रिवॉल्विंग फंड क्रिएट किया, जिस रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से मंडी परिषद इस सारे उत्पाद को खरीदेगा। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य है किसान की आय को दोगुना करना। आनंद टीवी से खास बात करेंगे, कैमरा पर्सन विदेव के साथ मैं भावना, आनंद टीवी, दिल्ली।